हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 के 7.6 एक्सरसाइज का फर्स्ट का एफ पार्ट कि फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू महत्तव पूर्णांक फलन दिया गया आपको। ये आपको ब्रैकेट एक्स दी है, इसका मतलब क्या, ये एक महत्तव पूर्णांक फलन है। इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, जहां पर आपका एक्स बिलोंग क्या करता है, -2 से 2। तो स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए ये एक फलन क्या है, महत्तव पूर्णांक फलन है। जो हमारा महत्तव पूर्णांक फलन होता है वो किसी भी पूर्णांक के लिए कभी भी सतत नहीं होता। एफ एक्स एक महत्तव पूर्णांक फलन है और यह किसी भी पूर्णांक संख्या के लिए सतत नहीं होता। तो यह फलन सतत ही नहीं है, अतः यह रोल्स प्रमेय को क्या नहीं करेगा, सत्यापित नहीं करेगा। यह सिर्फ पूर्णांकों के लिए स्टूडेंट्स, ये जो पूर्णांक होंगे ना उनके लिए फलन सत्यापित नहीं होता, सतत नहीं होता। अगर पूर्णांक के अलावा आपके पास दशमलव वाले जैसे बिट्स हैं उनके लिए फलन क्या होता है, ये हमेशा सतत रहता है। सेकंड का फर्स्ट पार्ट, इसमें भी हमें रोल्स प्रमेय का सत्यापन करना है। तो पहला हमें क्या देखना है, फलन सतत है या नहीं। तो दिया गया फलन क्या है, बहुपदीय फलन है, अतः ये क्या होगा, सतत होगा, क्योंकि बहुपदीय फलन हर वास्तविक संख्या के लिए क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए सतत होता है। एफ एक्स एक बहुपदीय फलन है, अतः यह एक सतत फलन है। पहली कंडीशन हो गई। दूसरी इसकी कंडीशन क्या होती है हमारी, सेकंड, यह अवकलनीय होना चाहिए। तो इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे, क्या आएगा, 2x + 5, जो आपको एक्स बिलोंग्स टू -3 से -2 के बीच में। अब आप -3 और -2 के बीच के जितने भी मान हैं वो मान यहां पर रखेंगे, तो क्या यहां से कोई अनिर्धारित मान आएगा, यानी अपरिभाषित मान, नहीं, कभी नहीं आएगा। या आप यहाँ पर इसमें से -3 और -2 के बीच में कोई भी मान रखेंगे तो यहाँ पर एक निश्चित मान आपके पास आएगा। तो अतः ये फलन भी क्या होगा, अवकलनीय होगा। अतः फलन क्या है, फलन अवकलनीय है। तीसरा, एफ ए बराबर एफ बी। तो एफ ए बराबर एफ बी यानी एफ -3 और -2 का मान निकालना आपको, वो दोनों क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। f -3 रखते हैं, इसके अंदर -3 रखें, -3 का स्क्वायर + 5 × -3 + 6 कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 -15 + 6 ये कितना आ गया, 0 आ गया। इसी तरह से हम f -2 निकालेंगे, -2 का स्क्वायर + 5 × -2 + 6 ये भी कितना आया, 0 आ गया। ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो ये तीनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो चुके, संतुष्ट करती हैं। अगर ये तीनों कंडीशन आपकी क्या है, संतुष्ट कर रही हैं, तो क्या होगा, एक सी मान ऐसा होगा जो इस फलन के बीच में, के इस अंतराल के बीच में क्या होगा, विद्यमान होगा, और वो सी बिंदु क्या होगा। अगर ऐसा है तो एफ डैश सी क्या होगा, बराबर 0 के होगा। यानी C एक ऐसा बिंदु है जो इसके अंतराल के बीच के अंदर विद्यमान होगा। अगर ये विद्यमान होगा तो एफ डैश सी बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो C का मान क्या होगा, तो 2C + 5 एफ डैश में रखेंगे, एफ डैश एक्स ही है, एक्स की जगह C रख दिया, 2C + 5 = 0। तो C का मान क्या आ गया, -5.2। यानी इसके बीच का जो मान है वो क्या है, -5.2 है, जहाँ पर यह फलन क्या होगा, रोल्स प्रमेय को सत्यापित करेगा। e की पावर x एक घातांकीय फलन और sin x भी क्या एक त्रिकोणमिति फलन है। ये दोनों ही फलन क्या होते हैं, सतत होते हैं, तो इनका गुणा भी क्या होगा, सतत ही होगा। e की पावर -x और साइन एक्स एक सतत फलन है, अतः एफ एक्स भी क्या होगा, एक एफ एक्स भी एक सतत
फलन होगा। तो पहली कंडीशन इसकी सेटिस्फाई हो चुकी है। सेकंड क्या है? अवकलनीय है। इसका एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स निकाला, क्या आएगा? u और गुणा v, गुणा में दोनों फलन, तो u गुणा v से करेंगे, एक पर माइनस एक्स सेम, अवकलज करेंगे साइन एक्स का, प्लस साइन एक्स सेम, अवकलज करेंगे एक पावर माइनस एक्स का, एक पावर माइनस एक्स, साइन एक्स का कितना आ जाएगा? कोस एक्स प्लस साइन एक्स। एक पावर एक्स का क्या आता है? सेम आता है एक पावर एक्स, एक पावर माइनस का एक्स का करेंगे माइनस एक्स का, तो क्या आएगा? माइनस वन। तो ये साइन बदल जाएगा, यहाँ से एक पावर माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ये आ गया हमारे पास एफ डैश एक्स जीरो। क्या ये, क्या यहाँ पर आप ओपन इंटरवल में देखें इसको, x बिलोंग्स टू जीरो से पाई, क्या इसके बीच का आप कोई भी मान रखेंगे तो इस फलन का मान अपरिभाषित आएगा? नहीं। आप जीरो से पाई के बीच में कोई भी मान रखेंगे, साइन एक्स कोस एक्स का मान क्या आएगा? निर्धारित, एक निश्चित मान आएगा, निर्धारित मान आएगा इसका, अतः यह फलन क्या है? अवकलनीय है। बस आपको इतना ही देखना है कि इस फलन का जो मान है एफ एक्स का वो क्या नहीं आना चाहिए? अपरिभाषित नहीं आना चाहिए, यानी एक निश्चित मान आपके पास आना चाहिए। तो आपके पास अतः एफ एक्स एक अवकलनीय फलन है। किस अंतराल में देखना होता है? ओपन इंटरवल में देखना होता है, ओपन में ही देख रहे हैं हम। थर्ड आपको देखना है कि एफ जीरो और एफ पाई दोनों के मान बराबर आते हैं। एफ पाई, एफ जीरो, एक्स की जगह आप जीरो रख के देखें, ई की पावर माइनस जीरो साइन जीरो। देखो ई की पावर जीरो होगा तो क्या होगा? किसी की पावर जीरो वन होता है, और साइन जीरो क्या होता है? जीरो। तो वन इंटू जीरो क्या आया? जीरो आ गया। पाई रखें, ई की पावर माइनस पाई और साइन पाई, साइन पाई यानी 180 का मान जीरो होता है, तो ये भी क्या आ गया? जीरो आ गया। तो ये दोनों भी बराबर हैं, एफ जीरो बराबर एफ पाई। तो रोल्स प्रमेय की तीनों कंडीशन को संतुष्ट करता है, तो C एक बिंदु होगा इसके अंदर विद्यमान, अतः C एक बिंदु विद्यमान होगा x बिलोंग्स टू जीरो से पाई के बीच में, इस अंतराल के बीच में क्या होगा? एक C बिंदु विद्यमान होगा। तो f डैश C बराबर क्या होगा? जीरो। अब एफ डैश सी क्या है अपने पास? एफ डैश क्या है? ये आया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम सी रख देंगे, एक पावर माइनस सी कोस सी माइनस साइन सी बराबर जीरो। दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर रखेंगे, माइनस सी बराबर लॉग जीरो, ई उधर जाएगा तो लॉग बन जाएगा। लॉग जीरो क्या होता है स्टूडेंट्स? इन्फिनिटी होता है। तो सी की पावर क्या आ गई? माइनस सी की वैल्यू क्या आ गई? माइनस इन्फिनिटी। क्या आपका माइनस इन्फिनिटी? एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू जीरो से पाई, या आप सी कहें, सी डज नॉट बिलोंग्स टू जीरो से पाई, ये मान आपका जीरो से पाई के बीच में नहीं आ रहा, चाहे आप एक्स कहें चाहे सी कहें, एक ही बात है। फिर आप कोस सी माइनस साइन सी बराबर जीरो रखेंगे, तो कोस सी बराबर साइन सी, कोस सी भाग में आ जाएगा तो टेन सी बराबर वन, और सी बराबर क्या आ गया? पाई बाय फोर। यानी 45 पर क्या मान होता है इसका? एक होता है। c बराबर क्या आ गया? पाई बाय फोर। क्या ये जीरो से पाई के बीच में है? हाँ, तो पाई बाय फोर आपका क्या है? जीरो से पाई के बीच में है, अतः c का मान क्या होगा? पाई बाय फोर होगा। ये माइनस अनंत वाला नहीं लेंगे क्योंकि जीरो से पाई से बाहर जा रहा है। तो स्टूडेंट दिया गया आपके पास फलन क्या है? एक बहुपदीय फलन है, अतः यह फलन क्या होगा? सतत होगा। एफ एक्स एक सतत फलन है क्योंकि एक ये बहुपदीय फलन है। पहली कंडीशन हो गई। दूसरी किस अंतराल में होगा? क्लोज इंटरवल में देखना होता हमें, समवर्त अंतराल में। तो समवर्त अंतराल में क्या है? ये सतत है। एफ डैश एक्स निकालेंगे, इसका क्या आएगा? पहले रूट को सॉल्व करेंगे, वन अपॉन टू सेम रूट एक्स माइनस एक्स स्केयर। अब किसका अवकलज करेंगे?
रूट के अंदर का x माइनस एक्स स्केयर का 1 बाय टू रूट एक्स माइनस एक्स स्केयर, इसका करेंगे 1, इसका करेंगे 2x, तो क्या आ गया आपके पास 1 माइनस 2x अपॉन में 2 रूट एक्स माइनस एक्स स्केयर, ये आ गया आपके पास f डैश x। अब यहाँ आप क्या देखें, x बिलोंग्स टू 0 से 1, इसको ओपन इंटरवल में देखना, में विवर्त अंतराल में, क्या 0 से 1 के बीच का आपके पास कोई भी मान इसमें रखने पर ये अनिर्धारित होगा, यानी क्या इसका मान निर्धारित नहीं किया जा सकता। आप 0 से 1 के बीच का कोई भी मान रखें, इसका एक निश्चित मान आपके पास आएगा। देखो 0 रखना नहीं है और 1 भी नहीं रखना, तो 0 से 1 के बीच में आप कोई भी मान रखें उसके लिए मान क्या होगा, ये निर्धारित होगा। अतः फलन क्या है, अवकलनीय, अतः फलन अवकलनीय है। थर्ड आपको निकालना होगा क्या स्टूडेंट्स, एफ जीरो और एफ वन, ये दोनों बराबर मान निकालने होंगे और ये दोनों बराबर आएंगे आपके पास, ये तीनों कंडीशन आपकी क्या हो गई, संतुष्ट हो चुकी है। अतः सी एक मान होगा जो इसमें विद्यमान होगा, तो क्या होगा, अगर वो मान विद्यमान है तो एफ डैश सी बराबर क्या होगा, जीरो। अगर वो सी मान विद्यमान है तो एफ डैश सी बराबर क्या होगा, जीरो होगा। तो एफ डैश आपके पास ये आया, यहाँ पर हम सी रख देंगे, क्या आ रहा है, 1 माइनस 2c अपॉन में रूट c माइनस सी स्केयर बराबर 0, इसको गुणा में लेके जाएंगे सारा 0 गया, 1 माइनस सी टू 0, सी का मान कितना आ गया 1 बाय 2, 1 बटा 2 मान आ गया। क्या ये 1 बटा 2 मान 0 से 1 के बीच में आता है, हाँ जी आता है, ये मान c का मान 1 बटा 2 0 से 1 के बीच में आता है, तो c का मान हमारे पास आ चुका ही है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि cos x जो फलन होता है वो क्या होता है, हमेशा सतत होता है। अगर cos x सतत होता है तो cos 2x भी क्या होगा, सतत ही होगा। fx एक सतत फलन है। अगर आपको इसको निकालना है तो 6.1 में आपको इसको करवाया गया था कि आपको ये सतत निकालने का, क्लोज इंटरवल में आपको किसी फंक्शन को सतत निकालने कैसे तरीका होता है वो आपको वहाँ पर बताया गया है, आप उस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन आपको डायरेक्ट भी ये चीज़ें याद रखनी चाहिए कि कौन कौन से फलन हमारे क्या होते हैं, सतत होते हैं और कहाँ कहाँ सतत होंगे। तो एफ एक्स एक सतत फलन है, अब इसका अवकलन कर लेते हैं सेकेंड, हम एफ डैश एक्स क्या आएगा, माइनस साइन टू एक्स, पहले कोस का होगा फिर टू एक्स का करेंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो क्या आ गया आपके पास, माइनस 2 साइन 2 एक्स। अब इसको आप किस में देखोगे, x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, ओपन इंटरवल में आप 0 से पाई के बीच का कोई मान रखें तो देखें क्या यहाँ पर अनिश्चित मान आता है, यानी आप मान को निर्धारित कर सकते हो या नहीं कर सकते। 0 से पाई का आप कोई भी मान रखें, इसका एक निश्चित मान आएगा, यानी कभी भी अनंत तो आता ही नहीं, हमें यही देखना है कि अनंत आ रहा है या नहीं आ रहा, अनंत नहीं आएगा। अतः फलन क्या है, अतः फलन अवकलनीय है। एफ डैश एक्स का एक निर्धारित मान आएगा, अतः फलन क्या होगा आपका, अवकलनीय है। इस स्टेटमेंट को आप साथ में लिखेंगे कि आपका एफ डैश एक्स है उसका एक निर्धारित मान आ रहा है, इस कारण ये फलन क्या है, अवकलनीय है। और निर्धारित मान कहां से आ रहा है, इस अंतराल के बीच में से आ रहा है। तब थर्ड आपको देखना है कि एफ जीरो और एफ पाई दोनों के मान क्या आने चाहिए, बराबर। तो कोस जीरो रखेंगे पहले, जीरो कितना आया, कोस जीरो का मान कितना होता है, वन होता है। कोस टू पाई, कोस टू पाई यानी 360, 360 पर आना मतलब वापस वहीं आ जाना और वापस जीरो पर आ गए और मतलब मान क्या हुआ, वन। दोनों मान क्या हैं, बराबर हैं। अगर ये तीनों कंडीशन हो चुकी है तो क्या होगा, सी ए का मान विद्यमान होगा, अगर सी मान विद्यमान है तो एफ डैश सी बराबर क्या होगा, जीरो होगा। तो इसमें भी रोल्स प्रमेय हमारी क्या हो रही है, सत्यापित हो रही है। एफ डैश सी, एफ डैश क्या है हमारे पास, माइनस टू साइन टू एक्स बराबर जीरो, यहाँ से हमारे पास क्या आया, साइन टू एक्स बराबर जीरो आ गया। देखो जब भी आपके पास, हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि अगर साइन एक्स बराबर जीरो आता है, इसका मतलब आप इसे साइन एन पाई लिख सकते हैं, क्योंकि एन पाई का एन क्या होगा आपका, एक
इंटीजर होगा यानी एक पूर्णांक होगा। आप यहाँ पर n का मान रखेंगे तो ये आपको जीरो ही देगा। जैसे आपने पहले जीरो ही रखा तो साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है। अगर आपने एक रखा, एक रखने पर क्या आएगा, साइन पाई, वहाँ पर भी क्या होता है, जीरो होता है। यानी आपने जीरो के वो सभी मान लिख लिए साइन में जहाँ पर जीरो मान आता है आपके पास। साइन में आपके पास जहाँ जहाँ जीरो आता है वो आपने सभी लिख लिए। तो यहाँ भी हम यही करेंगे, लेकिन हमें तो सिर्फ एक ही मान चाहिए, वो भी कौन सा, जीरो से पाई के बीच का चाहिए मान। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसको क्या आएगा, साइन पाई लिख लेंगे हम, तो यहाँ से क्या आ गया, साइन 2x, साइन से साइन कट गया तो 2x बराबर क्या आ गया, पाई। x का मान क्या है हमारे पास, पाई बाय 2 आ जाएगा। दोबारा यहाँ से थोड़ा देख लें कि साइन 2x का मान क्या है हमारे पास, साइन पाई पर जीरो होता है ये, तो 2x बराबर साइन से साइन कट जाएगा पाई, x बराबर कितना आ गया, पाई बाय 2। क्या जीरो से पाई बाय 2 के बीच में, पाई के बीच में नहीं है क्या पाई बाय 2, तो x का मान, सॉरी हम c का निकाल रहे थे, c और x में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, c का मान निकालना था, जो c का मान क्या आ गया, पाई बाय 2 आ गया आपके पास। यहाँ भी आप c लिखेंगे, ठीक है, तो c का मान हमारे पास पाई बाय 2 है, जो क्या है, इस अंतराल के बीच में से है। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या आता है, लांगराज मध्यमान प्रमेय, लांगराज मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम। तो इस थ्योरम का मतलब क्या है आपके पास, ये रोल्स का ही थोड़ा सा आगे एक्सटेंशन पार्ट है, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाती है। कैसे, कि जैसे आपको फलन दिया गया है वो फलन क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए, किसमें, इसी अंतराल में, किसमें, समवर्त अंतराल में, क्लोज इंटरवल में, यही कंडीशन हमारी किसमें थी, रोल्स प्रमेय थी। सेकंड, एफ डैश एक्स, एफ एक्स क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए, किसमें, ओपन इंटरवल में, यही कंडीशन थी। बस इसमें थर्ड कंडीशन ही आएगी, अगर ये दो कंडीशंस हैं तो हमारे पास एक सी मान होगा, किसमें, इस ओपन इंटरवल में विद्यमान होगा, इस ओपन इंटरवल में, जो क्या होगा, एफ डैश सी बराबर जीरो नहीं होगा, अब एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए, तब हमारे पास एफ डैश सी का मान जो होगा वो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए के बराबर होगा। देखो रोल्स प्रमेय में तीन चीज़ें निकालनी थी, अब आपको ये दो चीज़ें अगर हैं तो आपके पास सी एक ऐसा मान होगा जो एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए के बराबर होगा। अगर ये कंडीशन आ जाती है तो आप वहां पर लांगराज प्रमेय को सत्यापित कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, तो आप देखें ये फलन क्या है, एक बहुपदीय फलन है, ये क्या होगा, हमेशा सतत फलन होगा, बहुपदीय फलन सतत होते हैं। आप इसको अगर और एक्सटेंड चाहें तो आप एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स लिख सकते हैं। ये क्या है, दो अलग अलग बहुपदीय फलन है, या आप इनको परिमेय भी कह सकते हैं, परिमेय संख्या होती है ना आपके पास, वैसे ही आपके पास p बटा q में परिमेय संख्या होती है, उसी तरह आपके पास परिमेय फलन भी होते हैं। तो परिमेय फलन में आपका ऊपर वाला पार्ट भी क्या है, बहुपद है, और नीचे वाला भी बहुपद है। तो ये क्या होते हैं, बहुपद हमेशा सतत रहते हैं, किसके लिए, प्रत्येक वास्तविक संख्याओं के लिए। अतः आपका दिया गया फलन क्या है, ये एक बहुपदीय फलन है, अतः एफ एक्स एक सतत फलन है। किस अंतराल में है, इस क्लोज इंटरवल में है आपके पास, समवर्त अंतराल में है। दूसरा आपको क्या निकालना होता है, एफ डैश एक्स, इसका एफ डैश एक्स करेंगे क्या आएगा, वन एक्स का प्लस, लेकिन आएगा माइनस, कैसे, वन बाय एक्स का जब आप अवकलज करेंगे तो क्या आएगा, वन अपॉन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर, ये क्या आ गया, इसका अवकलज आ गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ देखें आप, अगर x का मान आप एक से तीन के बीच में, क्लोज इंटरवल में नहीं, ओपन इंटरवल में, विवर्त अंतराल में, इस विवर्त अंतराल के बीच का कोई भी मान रखें, तो
तो क्या ये कभी भी अनंत आएगा? नहीं आएगा। अगर x का मान जीरो होगा ये तभी अनंत आ सकता है और किसी कंडीशन में नहीं, और एक और तीन के बीच में तो जीरो आती नहीं है, तो इसका मान कभी भी अनंत नहीं होगा। यानी आप एक से तीन के बीच का कोई भी मान रखेंगे तो इसका एक निश्चित मान आएगा। अतः ये फलन भी क्या होगा, एफ एक्स एक अवकलनीय फलन है। किस अंतराल में? इस अंतराल में, ओपन इंटरवल में। अगर ये दोनों कंडीशन हमारे पास हैं तो हम कह सकते हैं कि C एक बिंदु होगा जो क्या होगा, इस ओपन इंटरवल में विद्यमान होगा। अगर वो विद्यमान होगा तो एफ डैश सी बराबर किसके होगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए। तो एफ डैश सी हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये है वन माइनस वन बाय सी स्क्वायर, और एफ बी का मान, एफ बी मतलब एफ थ्री माइनस एफ ए अपॉन में थ्री माइनस वन। तो यहाँ से हमारे पास वन माइनस वन अपॉन सी स्क्वायर, यहाँ पर हम एफ थ्री का मान रखेंगे, एफ थ्री का मान हमारे पास क्या आता है, थ्री प्लस वन बाय थ्री माइनस वन प्लस वन बाय वन अपॉन में टू, वन माइनस वन बाय सी स्क्वायर, ये कितना आ गया हमारे पास, एलसीएम लेंगे तो दस बाय थ्री, ये कितना आ जाएगा टू अपॉन में टू। यहाँ पर अब एलसीएम लेंगे हमारे पास कितना आता है स्टूडेंट्स, थ्री टू जा सिक्स हो जाएगा, दस माइनस छः चार बटा तीन, ये दो इसके साथ गुणा हो जाएगा, वन अपॉन वन माइनस वन अपॉन सी स्क्वायर, इस टू से ये टू कट कर देंगे, वन माइनस वन बाय सी स्क्वायर टू बाय थ्री। यहाँ से भी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको इधर भेज देंगे, वन माइनस टू बाय थ्री, ये कितना आया वन बाय थ्री। तो यहाँ से हमारे पास सी स्क्वायर बराबर कितना आ गया थ्री, और सी का मान कितना आ गया प्लस माइनस रूट थ्री। लेकिन हम सिर्फ क्या लेंगे, प्लस का मान लेंगे, क्यों, क्योंकि एक और तीन के बीच में क्या होता है, प्लस का मान ही होता है। तो यहाँ पर सिर्फ आप क्या लेंगे, प्लस का रूट थ्री, जो कि किसमें विद्यमान है, रूट थ्री बिलोंग्स टू वन कॉमा थ्री, इस ओपन इंटरवल में से विद्यमान होगा। अतः इसके लिए लांगराज जो प्रमेय है वो क्या है, वैध है, वैलिड है बिल्कुल, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके कुछ स्टूडेंट आप सेल्फ करेंगे ट्राई, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा।